हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जिसमें कि आप साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिस्ट बी की पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन इसका जो है वो 2-3 दिन पहले आ गया था, लेकिन उसमें कुछ भी बताया नहीं गया था, इसलिए वीडियो नहीं आया था। लेकिन अभी जो है वो सुबह 11:30 बजे से जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक लिंक दिया, वहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट पर जाके यहाँ पे आके आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लेकिन उससे पहले जो है आप इंस्ट्रक्शंस रीड करना मत भूलेगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगी कैसे आपको आवेदन करना है और कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 2/12 से आवेदन शुरू है, 31/12/2020 तक चलेंगे, इसी के बीच में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे दोस्तों आके आपको अब जो है वो अप्लाई करना है। बाकी डिटेल में हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आवेदन करना है, सभी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट है उसकी जानकारी आपको टाइम पर मिल जाए। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या जो है वो लिखा गया है नोटिफिकेशन में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे आपके जो आवेदन है वो 31/12/2020 तक जो है वो चलने वाले हैं, और 31/12/2020 तक ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपकी एज और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन रीड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिस्ट बी के लिए, जो कि ग्रुप ए की रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसीज इस रिक्रूटमेंट के लिए 10 हैं। यहाँ पे लेवल 10 की आपको सैलरी मिल जाएगी, 56,000 जो है वो बेसिक, साथ में अलाउंस डाले जाएंगे, तो अच्छी खासी सैलरी भी इसमें आपको मिलेगी। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, MEMTech, BE BTech आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीम्स यहाँ पे लिखी गई हैं, 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, रिटन टेस्ट होगा और उसके साथ जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगी। उसके अलावा दोस्तों मेन जो रिक्रूटमेंट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट ए की पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 39 है। और यहाँ पे अगर आपने BE BTech करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग में, उसके अलावा सॉफ्टवेयर सिस्टम में, IT में, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, या इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MSc अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT में करी हुई है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। MS अगर आपने करी हुई है इनमें से ही किसी स्ट्रीम में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, रिटन टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे अगर बात करें सैलरी की, तो 35,000 जो है आपको बेसिक मिल जाएगा, साथ में अलाउंस डाले जाएंगे, तो 50,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे पहुँच जाएगी। किस किस कैटेगरी में कितनी रिक्रूटमेंट है यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है, आप आके रीड कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा दोस्तों एज लिमिट जो है वो आपको मैंने बता दिया, 30 साल है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। वैकेंसी जितनी बताई जा रही है इनको चेंज करा जा सकता है, ये उनके अपने हाथ में है, हो सकता है इनको बढ़ाया भी जाए, हो सकता है इनको कम भी कर दिया जाए, तो ये उनके अपने हाथ में होता है। बाकी दोस्तों अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको इंडिया में जो है वो कहीं भी ये जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है अगर बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो लिंक यहाँ पे दिया है, वैसे अलग से लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 2/12 से आवेदन शुरू है, यानी कि अब आप जब ये वीडियो देख रहे हैं आप जाके आवेदन कर सकते हैं। 31/12/2020 तक जो है वो चलेंगे, लास्ट डेट 31/12/2020 है। उसके अलावा दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, जो कि मेन पार्ट है इस वीडियो का। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों जो है जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा है नहीं। SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए हमने सोचा था कि कोई फ़ीस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे 400 फीस जो है वो रखी गई है SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए। बाकी 800 जो है वो जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए जो है वो रखी गई है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आपको सैलरी मिलती है 50,000 से ज़्यादा, तो मुझे लगता है 400 या 800 रुपया फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको जो है आप अपने आप में जो है वो कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि यहाँ पे जो है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो OMR बेस्ड जो है आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 120 जो है वो क्वेश्चन होंगे, 65 जो क्वेश्चन है 65% वो टेक्निकल एरिया आएगा, और उसके अलावा 35 जो होगा वो जेनेरिक एरिया जो है आपका आएगा। और नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होगी, क्योंकि जो है जैसे बैंकिंग एग्जाम में होती है वही सेम जो है यहाँ पे भी जो है वो नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप गलत आंसर करते हैं तो।
उसके अलावा दोस्तों बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की या इंटरव्यू सेंटर है तो अगरतला है, बेंगलोर है, कालीकट है, उसके अलावा जो है वो चेन्नई है, दिल्ली है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में जो है वो रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। उसके अलावा दोस्तों अगर आगे बढ़े तो कट ऑफ जो डेट है वो बताई गई है 31/12/2020 तक आपकी एज हो चाहे आपकी क्वालिफिकेशन हो वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर फिर भी आपके कुछ जो है वो क्वेश्चंस है तो आप इस ईमेल पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसी ईमेल पे उनसे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट, वहाँ पर जाके आप इस नोटिफिकेशन को रीड करें। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और आप इस जॉब को जो है वो कर सकते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आप ज़रूर आवेदन कीजिएगा। बाकी और भी बहुत सारी जॉब अपडेट आने वाली है जिसकी जानकारी आपको इसी चैनल पे जो है वो मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों वंस अगेन, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और ज़्यादा जॉब अपडेट के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।